हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे क्योसेरा टास्क अल्फा 5002i के बारे में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं हम। तो हम यहाँ पे पावर बटन को ऑन करते हैं और देखिए मशीन जो जैसे हम ऑन करेंगे वैसे मशीन का जितना भी पार्ट रहेगा अपने आप रन करेगा। और उसके बाद जो कि डिस्प्ले है, डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप ऐसे ही 50 सेकेंड के आसपास मशीन को ऑन करके छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि मशीन में जो डिस्प्ले आएगा एकदम वाइट स्क्रीन आएगा और अटेंशन का लाइट, रेड लाइट जलता रहेगा। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है मशीन में। तो हम एक बार थोड़ा वेट कर लेते हैं डिस्प्ले आने तक का। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा डिस्प्ले आ गया है और यहाँ पे डिस्प्ले पूरा वाइट शो कर रहा है, एकदम वाइट स्क्रीन, और साथ में अटेंशन का लाइट भी जल रहा है। तो हम चलिए इस वीडियो में ये जानने का कोशिश करेंगे कि मशीन में क्या चीज़ का प्रॉब्लम है और इसको रेडी कैसे करेंगे। तो मशीन को हम सबसे पहले ऑफ़ करेंगे। मेन बटन से तो ऑफ़ नहीं होगा, जो पावर बटन सामने दिया है, तो हम डायरेक्टली स्विच से ऑफ़ करेंगे बटन मशीन को। और ऑफ़ करने के बाद मशीन को साइड में घुमाएंगे। थोड़ा घुमाने के बाद जो पीछे साइड का कवर रहेगा इसको हल्का सा पीछे करके पुश करके कवर को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है, मेन इंजन बोर्ड इसको बोलते हैं, हाँ उसको मेन इंजन बोर्ड बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ से डिस्प्ले पैनल को यहाँ से कनेक्शन गया रहता है, मेन कनेक्शन, क्योंकि डिस्प्ले पैनल का जो कनेक्शन है यहाँ से ही इसको कनेक्शन गया है सप्लाई। तो हम सबसे पहले इस मेन इंजन बोर्ड को चेक करेंगे डाल के। अगर डालने से मशीन में रेडी हो जाता है तो मेन इंजन बोर्ड का प्रॉब्लम है। तो और साथ ही साथ हम मेन इंजन बोर्ड कैसे चेंज करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जो हम कनेक्टर निकाल रहे हैं एकदम आसानी से, धीरे से निकालिएगा, क्योंकि कनेक्शन वगैरह, वायर वगैरह बेंड ना हो। तो हम कनेक्शन को प्रॉपरली, सेफली एकदम निकालिए, आराम से, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। और उसके बाद फ्लैट केबल को भी आराम से निकालेंगे, एकदम केयरफुली फ्लैट केबल को भी निकालना है, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। यहाँ से पिन को यहाँ पे अप करेंगे, यहाँ पर ये तो टाइट है, अप करने के बाद हल्का सा साइड से पकड़ के फ्लैट केबल को ऊपर कर लेंगे। और उसके बाद ये जो ARDF बोर्ड है, ARDF बोर्ड को भी ओपन करना है। ARDF का ये जो मेन बोर्ड है, यहाँ से ARDF को सप्लाई गया है। अगर ये बोर्ड का कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा तो ARDF से डुप्लेक्स नहीं आएगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर ये बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाने से, जैसा अभी इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ठीक से नहीं लगाएंगे जैक में, तो ये क्या करेगा, ग्लास से करने से डुप्लेक्स बराबर होगा, मगर ARDF से करने से ये डुप्लेक्स काम तो करेगा, स्कैन होने के बाद ऐसे ही वेटिंग में रुका रहेगा, कोई भी बटन वर्क नहीं करेगा, कैंसिल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही स्टॉप रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसमें इसको प्रॉपरली, सेफली निकालना है, ये ख़राब ना हो। और इसको निकालने के लिए सारा स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 1 2 3 4, एक ऊपर में 5, एक 6, एक 7 बट 7 स्क्रू को हम ओपन कर लेते हैं। ये हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर दिया है, यहाँ हम स्क्रू को ओपन कर दिया है हम, और ये बोर्ड को एकदम सेफली निकाल लीजिएगा क्योंकि कोई भी वायर बेंड ना हो। ये बोर्ड को हमने निकाल लिया है और हम यहाँ पे दूसरा इंजन बोर्ड को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद यहाँ पे ये देखिए एकदम सेफली बैठाना है, अंदर में कोई भी वायर दबा नहीं रहना, क्योंकि अगर मशीन के अंदर कोई भी वायर दबा रहेगा तो कनेक्शन मिसिंग हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा कनेक्शन हम लगाया है कौन सा कनेक्शन नहीं लगाया है। इसीलिए सारा कनेक्शन को एक बार लगाने के बाद प्रॉपरली चेक कर ले सारा कनेक्शन ठीक से लगाया है कि नहीं लगाया है। तो सारा कनेक्शन हम यहाँ पे पहले स्क्रू लगाते हैं, स्क्रू लगाएंगे हम इसमें अभी। देखिए सारा स्क्रू हमने फिट कर दिया है और फिट करने के बाद ऊपर में डुप्लेक्स बोर्ड भी हमने लगा दिया है और कनेक्शन को हम लोग प्रॉपरली लगाएंगे जो एकदम सेफ केयरफुली। ये आपका डिस्प्ले पैनल का बोर्ड है, जो कनेक्शन है यहाँ पे जो अभी हम लगा रहे हैं वो डिस्प्ले पैनल का कनेक्शन है, उसको बहुत सेफली केयरफुली लगाएंगे, कोई भी अंदर का पिन डिफेक्टिव ना हो। जैक भी प्रॉपरली लगाएंगे, एक बार दबा के भी चेक कर लेंगे प्रॉपरली लगाए कि नहीं लगाए। ये भी यहाँ से नीचे भी मेन जो पावर आता है इसको भी बराबर से लगाएंगे और ये आपके यहाँ से इसको भी लगाएंगे फ्लैट केबल को, पतला वाला फ्लैट केबल को, और यहाँ पे एक बार लगा कर चेक कर लेंगे सही से लगाए कि नहीं लगा है। और लगाने के बाद नीचे लॉक को प्रेस कर देना, प्रेस करने से पता चलेगा, ये दबा के रखेगा प्रॉपरली फिट हो जाएगा अपने लॉक के ऊपर। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे सारा कनेक्शन वगैरह मेरा लगा है कि नहीं लगा है। ये देखिए सारा कनेक्शन मेरा लगा है मशीन में, कोई भी कनेक्शन मिसिंग नहीं है। तो चलिए हम एक बार मशीन को ऑन करते हैं। ये देखिए जो मेन इंजन बोर्ड है इसको हमने चेंज किया था। तो चलिए हम थोड़ा केबल को लगाएंगे, केबल को लगाने के बाद मशीन को ऑन करके चेक करते हैं कि पहले जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम मेन स्विच को ऑन करते हैं और जैसे हम ऑन करेंगे डिस्प्ले में वेलकम लिख के आ गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले क्या था, पहले ऑन करने से डिस्प्ले लगभग 45 से 50 सेकेंड के बाद आता था और यहाँ पे तुरंत ही वेलकम लिख के आ गया है। मशीन में एरर कोड शो कर रहा है C180। ये जो कोड शो कर रहा है ये क्या है, सीरियल नंबर मिसमैच का शो कर रहा है, वो जो कि हम लोग मेन इंजन बोर्ड चेंज करे थे वो सीरियल मशीन का मिसमैच का है। तो चलिए हम इसको क्लियर करते हैं सर्विस मोड में जाके। इसमें 4 नंबर में आना है आपको, सर्विस मोड में सीरियल नंबर में 4 नंबर में आना है और यहाँ में एग्जीक्यूट कर देना है। आप यहाँ में देखेंगे 2 अलग अलग सीरियल नंबर है, जो हम नया बोर्ड चेंज किया था उसका वो किसी और मशीन का था, वो यहाँ में इसमें सीरियल नंबर शो कर रहा है। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट किए ये इसको ऑफ करने के लिए बोल रहा है, मशीन को ऑफ करिए उसके बाद ऑन करिए। तो मशीन को ऑफ करके एक बार ऑन करके देखते हैं। और हम यहाँ पे मशीन को ऑन करते हैं, ये देखिए फिर से डिस्प्ले में वेलकम लिख के आ गया है और यहाँ पे मेरा मशीन बूट हो रहा है। बूट होने के बाद देखेंगे कि एकदम होम स्क्रीन पे आ गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक रीडिंग निकाल के चेक करते हैं स्टेटस पेज। तो सिस्टम सेटिंग जो सिस्टम मेन्यू है यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट और यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे ओके कर देंगे एस। और ये देखिए मेरा स्टेटस पेज आ रहा है, ये देखिए। मशीन मेरा रेडी हो चुका है। तो हमने इसमें मेन इंजन बोर्ड को चेंज किया था अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।